मैया। हाँ बेटा। आज मैं बचड़न को पानी पिवाए वे नहीं जाऊंगो। कहा कही बेटा, आज तू बचड़न को पानी पिवाए वे नहीं जावेगो। हाँ मैया। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई ग्वाल वाल बछड़न ने पानी पिवाए लावेगो। अरे मैया, आज मैं गैया चराए वे जाऊंगो। हाँ। कहा कही बेटा, आज तू गैया चराए को जावेगो। हाँ मैया। नहीं बेटा, नहीं बेटा, अभी तू छोटो है, कोई गैया लटकनी है, कोई गैया मरखनी है, काऊ गैया ने तो सिंग मार दियो तो बेटा। मैया री में गाय चरा बन जे हो, तू कहे बाबा नंद मेहर सो, मैं बड़ो भयो ना डरे हूँ, मैं बड़ो भयो ना डरे हूँ। अरे मैया। हाँ बेटा। तू बाबा ते कह दे, अब मैं बड़ो नहीं हूँ, अब मैं छोटो नहीं हूँ, अब मैं बड़ो है गयो। जय जय। आज मैं ठाकुर जी की जीभ रसगुल्ला खा जा, आज मैं गैया चरावे जाऊंगो, तू बाबा ते कह दे। अरे बेटा, तू नहीं जाने है बेटा, बन में गैयन के पीछे नंगे पम डोलो परे है बेटा, बन में धूप लगेगी, बरसात पड़ेगी और लाला तो भूख लगेगी, वहाँ पे मैया थोरी बैठी है जो तोकू माखन खवाए देगी कन्हैया। अरे मैया, तू बाबा को बोला, बाबा ते के आज मैं गैया चराए भेजाऊंगो। बेटा, मैं तो तेरे बाबा सो नहीं कहूंगी, यदि तोकू गैया चराए वे को जानो होए तो तू अपने बाबा को बुलाए ले और गैया चराए को चलो जा। एक बात बता बेटा। हाँ। तेरी संकेत सखा कौन कौन से हैं कन्हैया? अरे मैया, मेरे सखा सुबल श्री दामा। कौन कौन से गैया चराए को जाओगे बेटा? मेरे सखा सुबल श्री मैया, मेरे सखा सुबल श्री दामा। और हलधर संग जाएंगे दे दे माखन रोटी मैया, मैं चराए दे जाए मैया। हाँ बेटा। तू हमको माखन रोटी संग में दे दे, और तुको पतो है मेरे संग के सका है सुबल श्री रामा, मद मंगल और मैया, हम बलराम मैया को संग ले जाएंगे। बेटा, तेने अपने सखन के नाम जितने हूँ गिनाए ना कन्हैया, ये सब उद्यमी है मोको मालूम है, तुम यमुना जी में कूद कूद के नहाओगे, उदम करोगे बेटा। मैया या की साख दास परमानंद, जा की साख दास परमानंद। हम यमुना जी नाइन हामेंगे दे दे माखन रोटी मैया, यमुना जी नाइन हामेंगे दे दे माखन रोटी मैया, खाए चराए वे जावेंगे दे दे माखन रोटी रोटी। अरे मैया। हाँ बेटा। मेरो एक सखा है परमानंद मैया, वे कबहू झूठ नहीं बोले। अच्छा। तू बातें पूछ लियो, हम जमुना जी में कूद कूद के नहीं नामे। अच्छा, उदम नहीं करोगे? ना मैया। बेटा देख, मैं तो तोकू गैया चराए भी को नहीं भेजूंगी,
क्योंकि लाला तू अभी छोटो है और बेटा तू प्रातः काल सो हट पकर रहे हो के मैं बछरन को पानी पिवावे नहीं जाऊंगो, गैया चराबे को जाऊंगो। बेटा यदि तो को गैया चराबे को जानो होए तो अपने बाबा को बुलाए ले, बाबा ते पूछ ले और गैया चराबे को चलो जा। बाबा बुलाऊं? बुलाए ले। ओ बाबा हो तो को मैया बुलाए रही है। क्यों रे? मैं कब बुला रही हूँ? मैया तो को पता नहीं है, बाबा तेरे नाम को सुन के भागो भागो चलो आएगो। अच्छो दारी के एक मैया बाबा आए गए। बेटा गैया चराए भी तो को जानो है, बुला मेरे नाम दे रहे हो। क्यों मेहर? हाँ मेहरे। आज कहा बात है जो लाला इतनी जोर जोर से हल्ला कर रो है, काय को बुला रही हो? मेरे मैना बुला रहे हो, आपको लाला बुला रहे हो। मेरे आज मैं बछरन को पानी पिवाए नहीं जाऊंगो। तो ठीक है मेहर, मत भेजो लाला बछरन ने पानी पिवाए, बरसात को मौसम है रोए और गैया भीग जाएंगी लाला भीग जाएगो। कोई बात ना बेटा, तू मत जा, आराम कर आज। मेरे पूरी बात को तो सुन ले, हट पकड़ रहे हो, प्रातः काल से कह रहे हो गैया चराए भी को जाऊंगो। का कह रहे हो गैया चराए भी जावे को? हाँ। अरे लाला तू कैसी बात कर रहे है कि गैया चराए भी जाऊंगो? बेटा तो कहा मालूम कौन सी गैया मरखनी है, कौन सी गैया सही है? कोई गैया ने तेरे सींग मार दियो और तू को घायल है गयो तो फिर बेटा वहां जंगल में कौन देखेगा तुए? बाबा अब मैं छोटो नहीं हूँ। अच्छा? अब मैं बड़ो है गयो हूँ। अरे तू कहे बाबा नमदेव मेहर सो मैं बड़ो भयो ना डरे हूँ। ओ बाबा मोरे गाय जरा बन दे। बाबा अब मैं छोटो नहीं रहो, अब मैं बड़ो है गए हूँ, मैं गैयंती नहीं डरूंगू, जासो तुम मुकू गैया चराए जान दे। अरे बेटा तो आज ना है कल गैया ही चरानी है और तो कछु करनो ना है। पर बेटा हमारे गोपन की एक रीति है कि हमारे गुरुदेव आमे हैं और वह पहले मुहूर्त निकारे हैं और बाके बाद में पूजन करवा में फिर बाके बाद में गैया चराए भी जामे। तो बाबा भागो भागो चलो चलो जा और गुरु जी लिवाला। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहे हो? गुरु जी तो बेटा अंतर्यामी हैं, वह सबके भीतर की जानवे बारे हैं, उनने यदि मुहूर्त मालूम होएगो तो वह शीघ्र ही आ जाएंगे। उनने मैं कहां तक ढूंढता डोलूंगो, कहूं ना कहूं जंगल में तपस्या ही कर रहे होंगे बेटा। हाँ बेटा जादना तेरो मुहूर्त होगो ना कन्हैया, बादना तेरे गुरुजी मुहूर्त निकाल के तेरो ले आएंगे और बेटा जब मुहूर्त निकल जाएगो तो तू गैयन को पूजन कर लियो और बेटा ब्रज में गीत गब जाएंगे, लड़ुआ बट जाएंगे, जब तू गैया चराए भी पूछ चलो जाइयो। और का? हाँ बेटा अभी। अरे बेटा रोवे मत बेटा, आजा आजा माखन खवाए दो बेटा। गरगर मुदित नद धाम पधारे, गरगर मुदित नद धाम पधारे, गरगर सभी जोर से नारायण भगवान की जय बोलें। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आहा, आज को दिन बड़ो ही धन्य है, बड़ो ही भाग्यशाली है जो कि आज के दिन श्री कृष्ण को गाय चरावे को मुहूर्त निकसो है। यासो में शीघ्र ही
नंद बाबा के समीप में चलूं और गाय चरावे की विधि पूर्वक पूजा करवाऊं और श्री कृष्ण को गैया चरावे वन में भेजूं। मैं नंद बाबा के समीप चलूं। गरग मोदे दे नद धारे गरग मोदे नद धाम पधारे गरग मोदे राय जी, तुम आनंद मंगल में तो होना। हाँ गुरुदेव, आपको आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सर्व प्रकार को मंगल है। वाह वाह, और यशोदा मैया अच्छी तरह सुंदर है ना, कोई कष्ट तो नहीं है मैया? ना ना, कोई कष्ट ना है गुरुदेव। आनंद में रहो, लाला प्रसन्न रहो। आपको मालूम है आज हम आपके समीप में क्यों आए हैं? हे गुरुदेव, जब आप बताओगे कि आज आप मेरे पास कैसे पधारे हो, तभी तो मुझको पता चलेगी। सुनो नंद राय जी, आज श्री कृष्ण को गैया चरावे को मुहूर्त निकसो है। हे गुरुदेव, आज प्रातः काल से हूँ कन्हैया जिद कर रहे हो कि मैं गैया चरावे जाऊंगो, तो आप हूँ मुहूर्त निकाल लाए तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। देख ले कन्हैया, कहीं ना मैंने तोते गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी अपने आप मुहूर्त निकाल लेंगे और अपने आप आके बताएंगे। नंद राय जी, गैयन के पूजन से पहले आपको एक और पूजन करना पड़ेगा। बताओ गुरुदेव। सुनो नंद राय जी, हे नंद राय जी, जा चौखट कुलांग के चलत छबीली चाल, ताकी कृपा कटाक्ष चाहत सदा गोपाल। नंद राय जी, आपको श्रीधाम बरसाने चलो पड़ेगा। वहां की प्रसभान बाबा हैं, उनकी चौखट को पूजन करनो पड़ेगा, क्योंकि वह चौखट की महत्व है, बड़ी ही विशेषता है। जब वह चौखट को लांग के उनकी बेटी श्री राधा बाहर भीतर होमे हैं, तो उनकी शब्द की ध्वनि को यह गोपाल सदा ही चाहमे हैं। तो गुरुदेव, तो आओ चलो फिर पूजन करेंगे। और कहा है? और सुनो, एक और वस्तु है। और बताओ गुरुदेव। नंद राय जी, आपको चौखट को पूजन तो करना ही पड़ेगा, परंतु एक बड़ी ही सुंदर वस्तु है, वह आपको ब्रह्मान जी से मांगनी पड़ेगी। वह कहा? अब गुरुदेव आप ही देख लो, ये मांगवी मांगवी को काम होते ना होगो। आज तक मैंने कहते कछु मांगो ही ना है, सबको दियो ही दियो है। देखो, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, तुम्हें अपने छोरा के ताई मांगनो है। वह बड़ी ही सुंदर वस्तु है, वह है कारी कमरिया। हे गुरुदेव, जब आप वह कारी कमरिया को इतनी विशेष बताए रहे हो, तो वह कमरिया की कहाँ विशेषता है और वह कहाँ ते बन के आई? ब्रह्मा तानो पूरिये और बुनिये बैठ महीश, जब ये उड़े कामरी तो पार न पामे सीस। हे नंद राय जी, वह कमरिया को ब्रह्मा जी ने तानो बानो बनो है और शंकर भगवान ने बुनी है। वह कारी कमरिया को जब ये कन्हैया ओढ़ लेंगे ना, तो इनकी बराबरी शेष नाग हु नहीं कर सके। तो गुरुदेव आप ही मांग लियो, क्योंकि संतन को और ब्राह्मणन को ही काम हुए मांगो।
देखो जी छोड़ा तो आपको है। अरे ना गुरुदेव, लाला तो आपकी आशीर्वाद दे हो तो जी आपको ही है। अच्छा मेरा छोरा है। हाँ जी। तो ठीक है, मैं अपने संग में आपको ले जाऊंगा, अपनो शिष्य बनाऊंगा। अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, बुढ़ापे में तो एक छोटे से लाला को मुख देखो है, बाबू है तुम बाबा जी बना दोगे, तो फिर कृपा करो ने गुरुदेव। तो अपनो लाला मानो ना। हाँ। तो मांगनो पड़ेगा। तो गुरुदेव थोड़ा सा सहारो आपू लगा दियो। सहारो तो मैं अभी तक लगा तो आया हूँ, फिर लगाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। हाँ, घबराओ मत, चलो आओ। ठीक है, मैं रानी के बुला लूं। अरे लाला रानी के बेटा, भान निकल के प्रसन्न रहे बेटा। बेटा आज हम बरसाने जाएंगे। अच्छा। पूजन को सामान मैया ते ले ले और तैयारी कर ले। पूजन के सामान को लेके तू ब्रसवान जी के महलन में पहुंच। ठीक है बाबा। ठीक है। पूजन को सब साज ले, पूजन को सब साज ले, चले सब चले, पर बरसाने तो चल ही रहे हैं। महलन में चले, ब्रसवान जी महलन में होंगे, कहाँ होंगे, या अथाई पे होंगे? देखो गुरुदेव। हाँ। या समय तो महलन में ही होंगे, क्योंकि समय महलन में ही रहवे को है। हाँ, महलन में ही चले, और ना होंगे तो बुलवा लिए जाएंगे। बुलवा लिए जाएंगे, ना तो मैं ढाणी के आगे भेज दे रहा हूँ। हाँ, जी बता देगो। आओ चलो, जाओ चले सब की पूरे उदार ब्रसभान जी सवही करत सम्मान। प्रसन्न रहो लाला। गुरुदेव आज आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य है गयो। तेने आज को धन्य महामुनिनाथ, कृपालुता की ने शुभ आयन की, रसना के ही भाते बखान करूं, जो दशा ही ये चौगने चायन की, तप तेज भरे तुए मूरत बिंद, महोसत है जग तायन की, ये भूमि पवित्र भई मुनि जी, जब डारे दई रज पायन की। आज मेरे या गांव की ये भूमि पवित्र है गई, जहां की आपके श्री चरण पर गए। ब्रसभान जी। जी गुरुदेव। आपके महलन में आवे को कारण है, क्यों बिना कारण तो आगमन होवे नहीं? हाँ हाँ गुरुदेव, वह कारण को बताओ, कहा कारण है आपको आगमन को? आज श्री कृष्ण गैया चरावे जाएंगे, तो पूजन में आपकी चौखट को पूजन निकलो है। गुरुदेव ये आप कैसी आज्ञा कर रहे हो? अरे ये तो पूरे जग में जाहिर है कि चौखट तो या समय नंद राय जी की बड़ी है। अरे कैसी बात कर रहे हो ब्रसवान जी, चौखट तो आपकी ही बड़ी है, क्योंकि आपकी तो या सबरे जग में कीर्ति फहराए रही है। नंद राय जी हमारी तो कीर्ति फहराए रही है, परंतु वह कीर्ति के संग में यश तो आपको ही फैल रहे है ना। हाँ हाँ हाँ, नंद राय जी ब्रसवान जी कितनी सुंदर मीठी मजाक कर रहे हैं, हास प्रयास कर रहे हैं। ब्रसवान जी कह रहे हैं कि नंद बाबा सो आपके यहाँ यश फैल रहे हो है, यानी कि यशोदा मैया है,
और नंद राय जी ब्रसवान जी सो कह रहे हैं कि आपके यहाँ कीर्ति फैल रही है, ब्रसवान जी के यहाँ कीरत मैया है। ब्रसवान जी, नंद राय जी, या फैला फैली में मेरे मुहूर्त को समय फैल जाएगो। तो गुरुदेव पूजन कहाँ पे होएगो? भीतर चौखट को पूजन कर रो है, जहाँ अत नड़ैती श्री राधा बैठी है ना, वहाँ की चौखट को पूजन कर रो है। तो आइए गुरुदेव पधारो, भीतर मेलन में चलो। आओ आओ। अजी राधा 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 बोल प्यारे, राधा 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 बोल प्यारे, राधा 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 बोल प्यारे। महामधुर मंगल मय राधा, महामधुर मंगल मय राधा, नाम प्रीत युत पारे, आपको गाय चरावे थे पहले श्री राधा के चरणन को पूजन करनो है, तन मन सो पूजन करियो और धन लगावे को तुम्हारे बाबा है ही है, ठीक है ना जी गुरुदेव? आओ। अजी जपत चतुरी मुख सो विधि सोई, जपत चतुरी मुख सो विधि, राधा रानी के चरण पूजन में सम्मिलित होंगे। समस्त लोग यही समय पधारे और श्री राधा रानी के चरण पूजन में सम्मिलित हों। अरे मीठे रस ते भरोरी, ओ मीठे रस ते भरोरी, राधा रानी लागे